एक बार एक महात्मा किसी नगर में पधारे। महात्मा बहुत ज्ञानी थे, इसीलिए नगर के राजा ने उन्हें अपने यहाँ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। उनके पधारने पर राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। भोजन के बाद जब महात्मा वहाँ से जाने लगे तो राजा ने कहा, महात्मन मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताएं। इस पर महात्मा ने राजा को दो पर्चियाँ दी और कहा कि पहली पर्ची तब खोलना जब तुम बहुत ज्यादा खुश हो और दूसरी पर्ची तब खोलना जब तुम बहुत ज्यादा दुखी रहो। राजा को वर्षों तक अपना उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था। वह अपनी संतान के लिए परेशान रहता था। फिर एक दिन उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के लिए यह सबसे बड़ा खुशी का दिन था। राजा ने उस महात्मा की पहली पर्ची खोलकर पढ़ी। उसमें लिखा था, ऐसा नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद उसके राज्य में पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा का सब कुछ छीन गया। राजा उस दिन बेहद दुखी हुआ। उसने महात्मा की दूसरी पर्ची खोली। उसमें लिखा था, यह सब भी नहीं रहेगा। राजा को समझते देर नहीं लगी कि उसका बुरा समय चल रहा है और यह ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जीवन है तो सुख दुख भी है। यदि दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। अतः विपरीत समय को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें।